जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए आर्टिकल 18 लेकर आया हूँ, अनुच्छेद 18। ये उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत मतलब वो लोग जो ब्रिटिश सरकार से उपाधि ले लेकर बैठे थे, जैसे राय बहादुर महाराज, राजा, इस सब उपाधियों का अंत करता है ये आर्टिकल 14 के साथ। इसको पढ़ना है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स जो होती है ना उसकी अंत करता है। तो देखिए क्लोज वन क्या कहता है, राज्य सेना और विद्या के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जो सरकार है, राज्य है, राज्य जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा है, वो राज्य जो है ना सेना और दूसरा विद्या मतलब एकेडमी को छोड़ के दूसरा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। सेना में जैसे मेजर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, इस चीज़ को छोड़ के, अब विद्या में आपके आएगा डॉक्टर, इंजीनियर, इन चीज़ों को छोड़ के आप कोई भी उपाधि राज्य जो है वो अपने नागरिक को नहीं दे सकती है, ठीक है। दूसरा, ये विदेशी राज्य की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये नागरिक के लिए है चेतावनी, और नागरिक के लिए चेतावनी यह है कि कोई भी नागरिक जो यहाँ से उठ के चला जाए कहीं विदेश में और वहाँ जाके इंग्लैंड में जाके महारानी से नाइट की उपाधि धारण कर ले और यहाँ पर नाइट लगा के घूमे तो ये काम नहीं चलेगा। विदेश में भी जाके आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं यदि भारत के सिटीजन हैं तो। तीसरा है, विदेशी नागरिक भारत में पद धारण करते हुए बिना राष्ट्रपति की सहमति उपाधि धारण नहीं करेगा। ये उनके लिए है जो विदेशी नागरिक है, वो विदेशी नागरिक जो भारत में रहते हैं या राज्य के अधीन कोई काम करते हैं, जैसे आर्टिकल 12 में जो राज्य का डेफिनेशन है उसके अधीन जो काम करते हैं भारत में आके या कोई पद धारण किए हैं, तो यहाँ पर आकर ये कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते हैं। महाराजा का, किंग का, ये सब टाइटल नहीं लगा सकते हैं, और लगाना भी हो तो राष्ट्रपति के सहमति बहुत ज़रूरी है। बिना राष्ट्रपति के सहमति ये काम नहीं हो सकता है। चौथा है, देखिए, भेंट, उपलब्धि और पद धारण कोई भी नागरिक हो या विदेशी हो नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति के सहमति से। कहने का मतलब है, देखिए आर्टिकल 14 से लेकर 18 इक्वालिटी, समानता का अधिकार का है ये, और इसमें कोई भी, यदि आप 15 भी आर्टिकल पढ़ते हैं, 16 भी पढ़ते हैं, 17 भी, 18 भी, तो ये सबको देखना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 14 से इक्वालिटी की बात है। तो आप जैसे लोग आजकल ना फेसबुक और व्हाट्सएप पे महाराजा राजा लगा लगा के घूमते रहते, बच के रहना, ये गलत है, संविधान इसको अलाउ नहीं करता। बड़े बड़े आप सफिक्स अपने नाम के आगे लगा देते हैं, 30 मार खान अपने आप को समझते हैं, तो ये सब काम नहीं करना है। ये सबके लिए है, भारत के नागरिक के लिए। अब देखिए, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, कहानी ये है कि क्या जैसे अवार्ड मिलते हैं, ये तो टाइटल की बात है, कोई अवार्ड मिलते हैं, अवार्ड कैसे मिलते हैं, जैसे पद्मश्री मिलते हैं, पद्म भूषण, भारत रत्न, क्या इसको हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए केस आया था 1996 में, बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया था जो नेशनल अवार्ड है ये तो ठीक है, लीगल है, क्योंकि भाई ये तो गवर्नमेंट दे रही है, नेशनल अवार्ड ठीक है, आपके मेरिट पे मिल रहा है। मेरिट का मतलब आपने कला के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में आपने अच्छा काम किया है, आपने बहुत सारे अच्छे दान किए हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आपको ये अवार्ड मिलते हैं। और ये भारत रत्न, तो आप समझ ही रहे हैं, भारत रत्न मिलता है, तो भारत के प्रसिद्धि आप आगे चल के बढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, अवार्ड तो मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था, लेकिन ये भी आप अपने आगे जैसे भारत रत्न लिख के या पद्मश्री लिख के अपना नाम के आगे ये अवार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप नहीं लगा सकते हैं तो देखो फेसबुक वालों और ये व्हाट्सअप वाले और खासकर सोशल मीडिया वाले, अपने नाम के आगे मत लगाया करो जो तुम लगाते हो। मैं बोलूँगा नहीं, जो चीज़ें समझ रहे हो ना, सब समझदार हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।